हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस इस वीडियो में हम कक्षा दसवीं की प्रश्न बैंक मैथ्स को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें से हम अध्याय एक लेंगे इस वीडियो में वास्तविक संख्या हैं चलिए प्रश्न बैंक में चलते हैं देखिए प्रश्न बैंक में सबसे पहले हमको आपका ब्लू दिया हुआ है ब्लू कुछ इस प्रकार से है, है ना तो देख लीजिए यहाँ पर ब्लू को भी थोड़ा यदि किसी के पास ना हो तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां पर कुछ प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश दिए हुए हैं कितने शब्द के क्वेश्चन कितने अंक में लिखना है हमको ये बताया गया है इस पेज में आपकी मैथ्स बैंक में जो चैप्टर कम किए गए हैं ना वो उनको बताया गया है देखिए यहां पर यदि यदि ये भी किसी के पास ना हो तो आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय एक से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं इसको सॉल्व करते हैं देखो अंक वाल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर एक अंक का तीन क्वेश्चन आने वाले हैं दो अंक वाले एक क्वेश्चन तीन अंक के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे ठीक है तीन अंक के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे और चार अंक के भी कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे इस प्रकार से आपका तीन अंक मतलब एक एक अंक एक अंक वाले तीन क्वेश्चन दो अंक वाला एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एक अध्याय से आने वाला है पाँच नंबर का चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले सही विकल्प दिए हुए हैं सही विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन देखिए सही विकल्प चुनिए छियानबे और 404 का एच होगा है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म होता है इसका है ना महत्तम समापवर्तक इसका आंसर आएगा हमारा चार है ना यदि इसका हम एच निकाले निकालें सभी को बनता है एस निकालते तो यहाँ पर मैं उतना नहीं बताऊँगा आपको कैसे निकालना है ठीक है तो इसका आंसर कितना आएगा चार आएगा चलो एक क्वेश्चन अपन हल कर लेते हैं सीएफ सी वाला यहाँ पर हम क्या करेंगे छियानबे और चार सौ चार का के गुणनखंड तोड़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले दो से देंगे भाग दो चौके आठ दो ठे सोलह ठीक है फिर दो से देंगे दो दो चार दो चौके आठ फिर दो से देंगे हम तो दो एकम दो दो दूनी चार और फिर दो से देंगे तो दो छिंग बारह और फिर दो तिया छः इस प्रकार से इसके एक दो तीन चाराँच पाँच बार दो गुणा दो लिखना पड़ेगा मतलब नाइन्टी सिक्स के गुणखंड टूटे हमारे दो गुणा, दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो एक दो तीन चार हो गए और ये हो गए पाँच ठीक है अब हम तोड़ लेते हैं यहाँ पर चार सौ चार के भी तो चार सौ चार के हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो ये टूटेंगे हमारे दो दो चार फिर ये दो सौ नम शून्य और दो दूनी चार फिर दो से जाएगा दो एकम दो दो सौ शून्य और दो एकम दो अब यहाँ पर संख्या आ गई हमारी एक सौ एक सौ एक में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक सौ एक भागित एक सौ एक मतलब एक सौ एक एक बार ही जाएगा यहाँ पर तो हमारे चार सौ चार के कितने गुणनखंड टूटे है ना दो गोणा दो एक सौ एक ठीक है इसको वैसे हमको यूक्रिट विभाजन प्रमेय के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए बाकी हम यहाँ पर सही विकल्प सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम जो आसान इससे निकल सकता है उससे हम हल कर रहे हैं ना ग्रंथ खंड विधि से चलिए तो यहाँ पर कितने जोड़े बने दो का ये एक जोड़ा बन गया दो का ये एक जोड़ा बन गया मतलब यहाँ पर एक जोड़े से ये दो निकल के आया और दूसरे जोड़े से दो निकल के आया तो दो, दो नहीं कितना हो गया चार तो इस प्रकार से हम इन दो संख्याओं का हम एच सी एफ निकालें और इसका आंसर कितना होगा चार होगा चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम बारह और पंद्रह का एच सी एफ होगा तो इसका भी यदि हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर हमारा आएगा तीन कितना आएगा आंसर तीन आएगा ठीक है बारह और पंद्रह का एच सी एफ तीन आएगा उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बत्तीस है है ना दो संख्याओं का गुणनफल बत्तीस है उनका एल सी एम आठ है तो उनका एस सी एफ कितना होगा तो यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा है अध्याय में दो संख्याओं का गुणनफल गुणफल बराबर एस सी एफ गुणा एल सी एम तो यहाँ पर दो संख्याओं गुणनफल यदि इसको हम हल करना चाहें तो अगले पेज में इसको लेते हैं ब्लैंक पेज में देखो दो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है हमारे पास ये संख्या है हमारे पास आ, मतलब दोनों संख्याओं गुणनफल दिया है बत्तीस और सूत्र हमारा यह होता है सूत्र होता है हमारा दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम है ना एच सी एफ इंटू एल सी एम तो यहाँ पर हम दो संख्याओं को ए गुणा बी के रूप में लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दे चुका है बत्तीस ठीक है और एच सी एफ दिया है एल सी एम देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है एल सी एम तो एल सी एम का मान कितना है आठ तो एच सी एम हमको इसमें निकालना है तो एच सी एम गुणा एल सी एम का मान है आठ ठीक है तो यहाँ से हम काट देंगे आठ एक आठ आठ चौके बत्तीस तो इस प्रकार से हमारा एच सी एम बराबर कितना निकल कर आ गया चार निकल कर आ गया ठीक है तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा आ, चार, जो कि ए नंबर है, है? ठीक इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं चार और सात का महत्तम समापवर्तक एच सी एफ होगा चार और सात का ये तो बहुत ईजी है है ना चार के टूटेंगे हमारे दो गुणा दो और सात तो एक आभाष संख्या है जिसके टूटेंगे सात गुणा एक मतलब इस संख्या में एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाता है मतलब यहाँ पर जोड़े किसी के भी नहीं बन रहे तो महत्तम स्वांवर्तक क्या निकलेगा इसका इसका आंसर आना चाहिए देखो यहाँ पर लास्ट में कुछ नहीं मतलब एक मतलब लास्ट में एक का गुणा होता है तो मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक का गुणा यहाँ मतलब एक का जोड़ा बन रहा है ठीक है सिर्फ एक का जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर इसका महत्तम स्वांवर्तक कितना निकलेगा एक निकलेगा ठीक है उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है इसका किसी पूर्णांक एम के लिए ठीक है किसी पूर्णांक एम के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है ठीक है किसी पूर्णांक एम के लिए एम के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है टू एम प्लस थ्री टू एम प्लस वन टू एम प्लस फाइव या टू एम प्लस हाँ टू एम या टू एम प्लस फाइव इनमें से कौन सा इसका आंसर आने वाला है सम के लिए सम पूर्णांक के लिए देखिए यहाँ पर टू एम प्लस थ्री देखो एम क्या है यहाँ पर पूर्णांक है पूर्णांक में यदि हम किसी सम संख्या का पूर्णांक संख्या में गुणा करते हैं तो वो एक सम संख्या ही आने वाली है ठीक है किसी भी सम संख्या को गुणा मान लो यहाँ पर सम संख्या दो है और एम पूर्णांक है तो एम पूर्णांक में हम किसी भी को रखेंगे और सम संख्या मान मतलब लो दो का गुणा करेंगे तो हमको सम संख्या ही मिलेगी और यदि हम इसमें विषम संख्या जोड़ दें तो वो एक विषम संख्या बन जाएगी मतलब पहला आंसर तो हमारा नहीं आ सकता दूसरा भी नहीं आ सकता है ना और लास्ट मतलब चौथा भी नहीं आ सकता मतलब हमारा इसमें आंसर आएगा टू एम है ना कितना आएगा टू एम इसके बाद सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिए संख्याओं पाँच पंद्रह बीस के लिए एल और एच का अनुपात होगा इसमें भी आप पाँच पंद्रह बीस देखिए इसका निकालते हैं हम एल और एच तो देखिए तो पांच के गुणनखंड क्या क्या टूटेंगे पाँच गुणा एक ठीक पंद्रह के टूटेंगे हमारे पाँच से जाएगा एक बार फिर तीन से जाएगा और फिर एक बार जाएगा ठीक है इसके बाद हम लिखेंगे बीस के बीस के क्या टूटेंगे सबसे पहले दो से भाग देंगे तो दो धाम बीस मतलब दो हो गया फिर दो पंचे दस मतलब दो हो गया फिर पाँच ठीक है तो यहां पर तीनों गुणनखंड तीनों संख्या गुणनखंड में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है मतलब इसमें पाँच आ रहा है इसमें पाँच आ रहा है इसमें पाँच आ रहा है मतलब पाँच के अलावा अन्य कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो ठीक है तो इसका महत्तम समावर्तक मतलब कह सकता हूं मैं एच सी एफ जो कि होगा हमारा पाँच ठीक है अब बात करते हैं हम एल सी एम की तो एल सी एम में ये पाँच का जो जोड़ा बन गया तीनों इसमें वो पाँच तो निकल के आ ही जाएगा ठीक है अब किसके जोड़े बन रहे हैं अब किसी के जोड़ा नहीं बन रहा सिर्फ एक का बोल सकते हैं तो एक कोई मायने रखता है इसमें ठीक है तो बचा क्या है हमारे पास ये वाला दो बचा ठीक है गुणा दो ठीक ये वाला दो बच्चा ये वाला दो दो और ये तीन बचा तो ये वाला तीन ठीक है और कोई बचा क्या नहीं बचा ठीक है तो पांच दूनी दस दस दूनी बीस और बीस दिया साठ मतलब मैं कह सकता हूं कि एल सी एम जो है इस संख्या में क्या होगा एल सी एम होगा हमारा साठ क्या होगा साठ अब इसने बोला है कि एल सी एम और एल सी एफ का अनुपात मतलब ऊपर अंश में रहेगा एल सी एम और हर में रहेगा हमारा एच सी एफ तो एल सी एम निकल के आया हमारा साठ और एच सी एफ निकल के आया पाँच इसको काट देंगे हम बारह देखो पाँच से काट देते पाँच एकम पाँच और पाँच 12 साठ मतलब बारह पंच होता है ना तो ये हो गया हमारा बारह तो इसका अनुपात क्या आने वाला है हमारा बारह अनुपात एक जो कि है इसमें फोर्थ नंबर या हम बोल सकते हैं डी है हाँ ना नंबर में बारह अनुपात एक मतलब सिक्स नंबर का आंसर आएगा हमारा कितना बारह अनुपात एक ठीक इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ठीक है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए देखिए पहला क्या है भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग फल बहुत ईजी है मतलब यहां पर रिक्त स्थान में क्या आने वाला है इसमें शेष फल ठीक है कितना आएगा शेष फल अब उसके बाद सेकंड देखते हैं संख्याओं आठ नौ पच्चीस के एच का मान होगा मतलब आठ नौ पच्चीस का हमको एच निकालना है ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा देखो आठ के बनखंड तोड़ेंगे हम तो ये टूटेंगे हमारे दो गुणा दो गुणा दो दोनों दो चार चार दोनों आठ हो गया और गुणा हम एक लिख सकते हैं इसमें ठीक है उसके बाद हम नौ के तोड़ते हैं नौ के तोड़ेंगे तो तीन गुणा तीन गुणा एक है ना उसके बाद 25 के तोड़ते हैं हम तो ये टूटेंगे पाँच गुणा पाँच मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि तीनों संख्याओं के जो गुणनफल हैं सॉरी गुणनफल बोल रहा हूँ मैं गुणनखंड है वो तीनों में कोई भी समान नहीं है मतलब तीनों में किसी भी संख्या का यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका आंसर जो आने वाला है वो है एक कितना आएगा एक ठीक है कितना आएगा इसका आंसर एक आएगा ठीक इसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं सत्य और असत्य लिखिए मतलब हमको यहाँ बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है चलिए देखते हैं दो धनात्मक पूर्णांक ए रहने पर ऐसी आदुती पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्वान है कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर जहां पर आर जो है सॉरी जीरो जो है वो आर से छोटा या बराबर हो सकता है 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 ना और आर जो है वो बी से छोटा रहेगा ठीक तो ये जो कथन है ये ये सत्य है या असत्य है ये हमको बताना है तो ये जो है हमारा पहला, पहला कथन जो है मतलब पहला जो क्वेश्चन है इसका सत्य असत्य का वो सही है ठीक है कैसा है ये सही है मतलब क्या आने वाला है ये सत्य आने वाला है उसके बाद सेकेंड क्या आएगा सेकेंड क्वेश्चन है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों गुरनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए आदुतीय होता है तो ये भी जो कथन ये भी बिल्कुल सत्य है ठीक है ये भी कथन कैसा है सत्य है अब चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में हमको उत्तर देना है इसमें है ना एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है पहला क्वेश्चन चौरानबे और चार सौ चार का एच सी एफ लिखिए चौरानवे और चार सौ चार का एच सी एफ लिखना है हमको निकालना है इसका ठीक है तो चौरानवे और चार सौ चार इसका हमको ऐसे अपने कहा सबसे पहले इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे हम ग्रंथ खंड तोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे ग्रंथखंड तो चौरानबे के गुणनखंड तोड़ेंगे हम तो क्या टूटेंगे चलिए दूसरे पेज में दे करके देख लेते हैं चौरानबे इसके हमको गुणनखंड तोड़ना है दो चौके आठ और दो सत्ते चौदह ठीक है अब किससे टूटेगा ये सैतालीस है मतलब ये एक अभाज्य संख्या है इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा सैतालीस एकम सैतालीस अब बचा चार सौ चार है? चार सौ चार इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव में आया था ही, है ना सही विकल्प में आया था कहा लिख दिया मैंने चार सौ चार इसके हमको तोड़ने सबसे पहले दो से भाग देंगे दो दूनी चार दो सौ नम सुन और दो दूनी चार फिर दो से चले जाएगा तो दो एकम दो सो नम शून्य दो एकम सुन, दो, दो अब इसके बाद एक सौ एक सौ एक भी एक अभाज्य संख्या है है ना तो इसमें स्वयं का ही भाग देना पड़ेगा 101 का तो ये हो जाएगा हमारा 101 सौ एक एकम एक मतलब चौरानवे के गुणनखंड टूटे हमारे दो गुणा सैतालीस और लास्ट में हम एक लिख सकते हैं उसके बाद 404 के गुणनखंड टूटे हमारे दो गुणा दो गुणा एक सौ एक गुणा एक ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जिसके हम जोड़े बना पा रहे हैं मतलब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो सॉरी एच सी एफ जो है वो क्या होगा दो होगा ठीक है तो इसमें आंसर क्या आने वाला है इसमें आंसर आएगा हमारा दो ठीक है कितना आएगा दो आएगा चलिए यहां पर हम लिख देते हैं इसका आंसर कितना है दो है ठीक सेकंड नंबर किसी पूर्णांक p के लिए 2p पी प्लस वन सम होगा या विषम बतलाइए एक p एक यहाँ पर क्या है एक पूर्णांक है ठीक है पूर्णांक है इसके 2p पी प्लस वन सम होगा या विषम बताइए तो ये होगा एक विषम होगा क्या होगा विषम होगा क्यों क्योंकि p एक पूर्णांक है पूर्णांक संख्या में किसी भी सम सं संख्या का अवण करिए वो एक सम संख्या या आने वाली है संख्या में एक जोड़ने पर सम संख्या में एक जोड़ने पर हमेशा वो एक विषम संख्या बनेगी जिसका आंसर क्या आएगा विषम ठीक है